अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दो, सो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। सो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये फॉक्स वैगन पोलो है, पेट्रोल वर्जन। सो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, इसमें चेक इंजन लाइट शो हो रहा है, और सेकंड थिंग इसका जो लो ऑयल प्रेशर का वार्निंग लाइट है वो शो हो रहा है। सो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसको हम लोग कैसा डायग्नोस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ऑयल प्रेशर वार्निंग का लाइट आ रहा है, लो ऑयल प्रेशर वार्निंग का लाइट, और इधर इसका चेक इंजन लाइट भी आ रहा है। तो मैं स्कैन किया इसको, बता दो आपको स्कैन में रिपोर्ट क्या आ रहा है, कि ऑयल लाइट भी क्या कभी कभी शो हो रहा है। देखो ये गाड़ी चली भी 32,000 ही है, कुछ ज़्यादा चली नहीं है, पर ऑयल का लाइट आना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन है, तो भी उसका पहले ऑयल का प्रेशर एंड ऑल चेक करेंगे गेज लगा के। उसका जो चेक लाइट दिखा रहा है उसका पब्ज वॉल का आ रहा है कैनिस्टर का, तो भी क्या DTC बता दो मैं। इसका फॉल्ट आ रहा है ये इवेपोरेशन इमिशन कैनिस्टर पर्ज रेगुलेटर वॉल शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। सो ये शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड का फॉल्ट आ रहा है। सो इसका जो पब वॉल होता है ना, तो उसका फॉल्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से चेक इंजन लाइट आ रहा है, और ऑयल प्रेशर लाइट भी आ रहा है, ऑयल प्रेशर कभी कभी आ रहा है। सो होप आई थिंक वायरिंग का इशू रहेगा उसमें, कि दोनों का वायर सेम जगह से ही आता है वो हिसाब से। आप देख सकते हैं जो DTC आ रहा था इसका दिखा रहा था पर्ज कंट्रोल वॉल, ये जो पाइप है ये देखो, आप देख सकते हैं जो पाइप लगा हुआ है, ये इसका गैस पाइप है, यहाँ पे जाता, मतलब फ्यूल टैंक के इधर एक कैनिस्टर का बॉटल लगा हुआ है उसमें जाता, मतलब आपको मालूम है पेट्रोल का जो भाप निकलता है उसको एक जगह लॉक करके रखते हैं, क्योंकि भाप से भी क्या होता है, वो भाप में भी आग लगता है, मतलब फायर होता है, वो हिसाब से रिटर्न जाके इंटेक मैनिफोल्ड में ही जाता है। देखो आप देख सकते हैं पाइप है। सो क्या होता है, इधर से ये जो गैस है यहाँ तक आता है, और इसमें जब वोल्टेज मिलता है जो मैनिफोल्ड का जो प्रेशर से, ये गैस ले लेता, मतलब यहाँ का वॉल्व खुलने लग जाता है और जो प्रेशर से अंदर चले जाता है, तो उसको खोल बंद करने का काम करता है ये वॉल्व। सो इसका फॉल्ट आ रहा है, और सेकेंड थिंग इसका ऑयल प्रेशर का स्विच है, आप देख सकते हैं, और देखो इसका वायर लगा हुआ है, और दोनों का वायर देखो, ये इसका वायर है और ये यहाँ से आयला वायर है, तो दोनों एक ही जगह जाके मिलता है। मेरे को लगता है वायरिंग का इशू रहेगा, कि दोनों का एक साथ ही दिखा रहा है वही रीज़न से, तो भी इसका ऑयल प्रेशर मैं चेक करूँगा सबसे पहला, क्योंकि आइडलिंग पे भी दिखा रहा है। नॉर्मली ऑयल प्रेशर का लाइट कब भी आता है, जब गाड़ी ज़्यादा गर्म होती है, 20-25 किलोमीटर चलती है, मतलब जब ऑयल का टेम्परेचर 80 के प्लस रहता है तब भी दिखा रहा है, बट अपना आइडलिंग पे ही दिखा रहा है। आइडलिंग पे एक और रीज़न होता है जब इंजन वीक हो जाता है, बट ऐसा कुछ दिख रहा नहीं इसमें, इंजन में परफॉर्मेंस अच्छा है, तो इस हिसाब से अभी चेक करता हूँ मैं गेज लगा के इसका कितना प्रेशर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑयल प्रेशर से 24 mm का स्पैनर लगता है, आप देख सकते हो, इसके नीचे कपड़ा डाल के रखता है, सो दैट ऑयल गिरेगा तो साइलेंसर पे गिरे नहीं बोलते, ऐसा ईजिली खोल दे लेगा इसको। आप देख सकते हैं गेज मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इसका ऑयल प्रेशर का स्विच है और इसका गेज है ये देखो। सो ये मैं बार में इसका, मेरे को मालूम है इसका आइडलिंग पे अराउंड 2 bar के आसपास आना चाहिए, मतलब आइडलिंग मीन्स 800 RPM के अंदर, और इसमें स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन, 2 bar मीन्स अराउंड 2.40 ऐसा आता है, तो चालू करके बता दो हमें, जो 2 bar को अपने को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है तो अपने को, मेरे को बार वाली रेडिंग मालूम है। हाँ स्टार्ट कर। देखो प्रेशर ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि 2 bar मतलब क्या होता है, 2.4 ऐसा कोई स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, बट अपना उससे ज़्यादा ही है। तो देखो रेस कर हल्का हल्का, मतलब अपना जो प्रेशर है
ऑयल का प्रेशर एकदम परफेक्ट है, धीरे धीरे करना। बस छोड़ दे, आप देख सकते हैं। और एक्चुअली एक सेकेंड चीज क्या होता है इसमें, जब गाड़ी एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, मतलब कैसा 100 डिग्री हो जाता है ऑयल का टेम्परेचर, तभी भी एक बार चेक करना पड़ता है। बट अपने को ऐसा इशू नहीं लगता मेरे को, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसमें जो भी है मेरे को इलेक्ट्रिकल इशू ही लगता है मेरे को, क्योंकि ये जो 2 बार से ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इसमें, वो हिसाब से बंद कर दो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर फिल्टर था, एयर फिल्टर मैंने खोला। सो आप देख सकते हैं, ये देखो ये थोड़ा छिला हुआ दिख रहा बाहर यहाँ से, देखो देखो थोड़ा घसा भी सा है। तो अब इसको थोड़ा खोलता हूँ मैं, तो खोलने पे पूरा क्लियरली मालूम पड़ जाएगा आपको। मैं बता था इधर थोड़ा मेरे को ऐसा सस्पेक्टेड लग रहा था, बट यहाँ पे मैंने ट्रेस किया तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। तो मैं इसको फर्दर ट्रेस करते करते ले, देखो आप देख सकते इधर इसका बैटरी लगता है, ये देखो आप देख सकते हैं वायर कटा हुआ यहाँ पे, ये देखो अभी कैसा कटा, चूहे नहीं खाया रहेगा आई थिंक, मेरे को लगता है, क्योंकि और तो कोई हरकत करता नहीं रहा, ये देखो। सो अभी इसको कलर कोड के हिसाब से जो जो कटा उसको ज्वाइन कर दूंगा, जो अपना इशू था इशू सॉल्व हो जाएगा। इसका मेनली कैसा, इधर एक मतलब बैटरी का ट्रे रहता है ना, बैटरी के ट्रे के नीचे क्या चूहे आराम से जगह बना लेते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, वायर काटा हुआ है, तो इसको मेरे को सोल्डर करके लेना पड़ेगा, सोल्डर या फिर बद कनेक्टर मार के लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये देखो वायर जो था इसको मैंने सोल्डर कर दिया, और सोल्डर करने के बाद ये स्लू आता है रबड़ का, वो भी चढ़ा के उसको हीट कर देने का, सो दैट ये एकदम मजबूत हो जाता है, मतलब इंसुलेटर का काम करता है जो स्लीव है, ये देखो। तो ऐसा सब में लगा देना, अभी जैसा ये सोल्डर आपस में चिपक जाएगा, डाल के हीट करके छोड़ देने का इसको, मतलब जो टेपिंग करते हैं ना, टेपिंग के बदले ये भी कर सकते हैं अपन। आप देख सकते हैं सब वायर मैंने सोल्डर कर दिया, और इस पर यह स्लू डाल के इसको भी गर्म करके ले लिया। अभी क्या करूँगा, सबको ओवरऑल टेप मार के लगा दूँगा मैं। आप देख सकते हैं ये ब्लैक टेप भी मैंने कर दिया, उसको क्या ये वायर यहाँ वहाँ हिले नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली मैंने सबको टेपिंग कर दिया था सोल्डरिंग करके, सो भी हो चुका, अभी टेपिंग भी हो गया। और उसके बाद इसका बैटरी ट्रे लगा दूंगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊँ, मतलब जो भी फिटमेंट थे बाकी के, बैटरी ट्रे, बैटरी, एयर फिल्टर, वो सब लगा दूंगा मैं। आप देख सकते हैं ये देखो, ये जो वायर कटा था इसके नीचे कटा हुआ था, सो इसके लिए मैंने इसका बैटरी खोला था और इसका एयर फिल्टर खोला था। जस्ट है कुछ नहीं, 10 नंबर के जो नट है वो लूज़ करके इसका जो टर्मिनल खुल जाता है, और यहाँ पे 30 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है, ये खोल के इसका ब्रैकेट निकलता है। और एयर फिल्टर का भी यही है, यहाँ पे एक 10 नंबर का बोल्ट है, वो खोल के इजीली आ जाता है। आप देख सकते हैं कोई भी डीटीसी नहीं है, एकदम परफेक्ट हो चुका है।